हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जुमनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 13-14 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, तो आप लोग लास्ट वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित नेगी को। अमित नेगी को हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पदभार पर नियुक्त किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कविलनसाई अशोक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बाबर राय को चुना गया है। डॉक्टर ग्रिसन जॉर्ज आईसीएसई एमएफआरआई एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक नियुक्त हुए हैं। जेनेट यंग दोबारा एएमपीएएस यानी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की अध्यक्ष बनी है। शुभांशु शुक्ला आईएसएस के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन प्रीति सूदन बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देश नहीं होगा या राज्य के होगा, देश की जगह राज्य, ओडिशा राज्य। हाल ही में ओडिशा राज्य के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया, आप इमेज में भी देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाड़ी ओडिशा की विधानसभा के दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISVT का नाम BR अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ओडिशा का रेड आंट चटनी यानी काई चटनी को GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल देश की सैन्य खरीद के लिए। इजराइल की संसद ने UNRWO को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। UN ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वार्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टैम्प कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। बेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरीश दुधानी को। हाल ही में हरीश दुधानी को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG साधना सक्सेना बनी है। मनोज मित्तल को सिडबी का CMD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिमोर लेस्ते। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शनिवार को तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दबा के लाइक कीजिएगा। हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनेयर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर आए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन मस्क हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनेयर्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? आंसर है बांग्लादेश। हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को चुना गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला फोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर है असम राज्य में। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन्हें फॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 अगस्त को। अगस्त का कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस यानी वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया गया। सॉरी ये गलत है, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। सॉरी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए टीवी शोभनाथन को, आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाडो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान को, आप इमेज में भी देख सकते हैं। शाहरुख खान को 2024 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पाडो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेपाल देश में। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया। अभी हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास से नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी अभिनव बिंद्रा को, आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स रून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है? आंसर है रोशनी नादर मल्होत्रा को, हाल ही में बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है रोशनी नादर मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व सीईओ सुशान वोजस्की का निधन हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूट्यूब का। यूट्यूब के सीईओ
सुसान वोजिस्की का अभी हाल ही में कैंसर के कारण निधन हुआ। तो यूट्यूब की पूर्व सीईओ सुसान वोजिस्की का निधन हो गया। वह 2 सालों से कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रही थी। इस बात की जानकारी कौन दिए, तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 71वें स्थान पर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।